कहानी नहीं, एक सत्य गाथा है एक महान राज्य की विकास यात्रा की। आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार यशवंतराव जी चव्हाण का जन्म 12 मार्च 1913 को पुराने सातारा जिले के देवराष्ट्री गांव में हुआ था। बचपन में ही पिताजी की छत्रछाया छिन जाने से उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर सन 1930 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और विद्यालय के प्रांगण के पेड़ पर तिरंगा फहराया। इसी कारण उन्हें कारावास भी हुआ। उस समय कारागृह में उन्हें कई देशभक्तों का सहवास मिला, जिससे उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बढ़ता गया। माँ के प्रोत्साहन से उन्होंने बीए एलएलबी तक की शिक्षा प्राप्त की। यशवंतराव जी ने सन 1940 में सक्रिय राजनीति में भाग लिया और सन 1942 में वेणुताई से शादी की। उसी वर्ष सातारा जिले के आंदोलन में शामिल होकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने। वैचारिक ज्ञान की गठरी लेकर यशवंतराव जी सन 1946 में मुंबई विधानसभा के लिए चुने गए और संसदीय सचिव बने। सन 1952 से सन 1955 के दौरान उन्होंने मंत्री के रूप में अलग अलग विभागों की बागडोर संभाली। 1 नवंबर 1956 में द्विभाषी मुंबई राज्य के वे मुख्यमंत्री बने। 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र राज्य निर्माण का मंगल कलश लाकर यशवंतराव जी ने महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सन 1956 से लेकर 1962 तक 6 साल में महाराष्ट्र का विकास करना यशवंतराव जी का बस एक यही लक्ष्य था। इस कालावधि में उन्होंने समाज हित के कई कानून बनाए। कृषि, औद्योगिक, सहकारिता तथा सिंचाई विभागों के कामकाज पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य को एक नई दिशा दी। ग्रामीण विकास हो या शिक्षा की विस्तृत नींव, यशवंतराव जी कहीं भी पीछे नहीं रहे। उनके द्वारा रखा गया हर विचार और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास का हस्ताक्षर बना। उनके नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र में कई सहकारी संस्थाएं गठित हुई। 1 मई 1962 को जिला परिषद और पंचायत समितियों को गठित करके राज्य विकेंद्रीकरण का ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया और ये नीति देश ने भी स्वीकृत की। सन 1962 में हिमालय की रक्षा के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बुलाए जाने पर देश के रक्षा मंत्री के रूप में दिल्ली में पदभार संभाला। देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री जैसे उच्च स्थान पर कार्य करने वाले श्री यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के सुपुत्र थे। आपका विस्मरण हमें कभी नहीं होगा। श्री यशवंतराव चव्हाण अध्ययनशील, विचारवंत, लोकतंत्र के सच्चे समर्थक, मानवतावादी, व्यापक दृष्टिकोण रखने वाले, मुत्सद्दी, राष्ट्रीय तथा जागतिक राजनीति के उत्तम जानकार, जनमानस के एक कर्मनिष्ठ नेता थे। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वन कैन बी वेरी सर्टन ऑफ हिमसेल्फ, बट अनलेस वन प्रिज्यूम्स
that it is quite possible that the other man is also right. There is no possibility of having any dialogue. And democracy, in a sense, means a process of carrying dialogue. Dialogue between the father and the son. Dialogue between the neighbor and neighbor. Dialogue between master and employee. Dialogue between the teacher and the student. Dialogue between the judge and the lawyer. Dialogue between the rulers and ruled. सभी गुणों तथा कलाओं के जानकार और एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने जीवन भर लोगों को जोड़ने की राजनीति की, तोड़ने की नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग चार दशक तक यशवंतराव जी का नाम गूंजता रहा। यशवंतराव जी को स्वभावतः उत्तमोत्तम साहित्य पढ़ने की रुचि होने के कारण साहित्यिकों का सहवास उन्हें अच्छा लगता था। यशवंतराव जी ने जिंदगी भर साहित्यिकों के साथ साथ राजनीतिज्ञ, विद्वान, पत्रकार तथा आम कार्यकर्ताओं के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे। उसमें कभी भी कटुता नहीं आने दी। और वे अपने जीवन में, राजनीति में एवं समाज कार्य में आनंददायी व्यक्ति के रूप में जीते रहे। आज का महाराष्ट्र यशवंतराव जी के विचारों के बलबूते पर खड़ा है तथा प्रगति पथ पर है। उनके पुरोगामी निर्णयों के कारण ही लोकतंत्र के संवर्धन का काम चल रहा है। युवा नेताओं का विद्यमान नेतृत्व उन्हीं के विचारों से महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र को एक पुरोगामी राज्य के रूप में अग्रणी रखने वाले यशवंतराव जी ने देश की सेवा में महाराष्ट्र की ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी। राष्ट्र की सेवा में मराठी लोगों का सहभाग सबसे बड़ा है, ये अपने कार्य से ही उन्होंने दिखा दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र को यशवंत और देश को गौरवान्वित किया है। इसी के कारण न केवल महाराष्ट्र अपितु देश का हर नागरिक इस महान नेता का ऋण कभी भूल नहीं पाएगा। कृष्णा तट के इस विकास योद्धा के सामने उनकी स्मृति में हर एक व्यक्ति अत्यंत कृतज्ञता से नतमस्तक हो जाता है। यशवंतराव जी ने महाराष्ट्र को जो कुछ दिया है उसकी गवाही आज भी सह्याद्रि हमें दे रहा है। ऐसा ये महान कर्मयोगी 25 नवंबर 1984 को अनंत में विलीन हो गया। जनहित का कल्प वृक्ष बोकर तुम यूं ही चले गए, फलता फूलता उसे देखने क्या तुम लौट आओगे? चले गए आप और आपका नाम बना जैसे ईश्वर, कृष्णा तट पर घर आपका काशी जैसा तीर्थ बन गया आज। महाराष्ट्र के इस महान सपूत को शतशह नमन, कोटि कोटि प्रणाम।